In this lecture, we'll see the Turing machine design for computation of multiplication of two unary number. So in previous lecture, we saw how to do the subtraction. Now in this lecture, we'll see the multiplication कैसे perform करते हैं, ठीक है? So multiplication के लिए same two numbers लगेंगे, 3 and 5 we have considered. तो अभी इसका multiplication कैसे करते हैं? तो सेम हम लोग हैश से दो इनपुट को सेपरेट आउट करेंगे. सो थ्री विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री जीरोज एंड फाइव विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फाइव जीरोज, ठीक है? सो फर्स्ट जीरो के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फाइव जीरोज मल्टीप्लाई करेंगे, मींस वन इज मल्टीप्लाइड विद द फाइव जीरोज और इसके आगे डाल देंगे, ठीक है? सो वन विल बी दिस जीरो इज रिप्लेस्ड बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फाइव के साथ और ये यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? फिर से यहाँ तक आएंगे एक्स तक. सो एक्स एज इट इज़ रहेगा या फिर एक्स को जीरो में कर देंगे. सेकेंड एक्स के लिए फिर से सेम करेंगे हम लोग, इस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स फिर से वन मल्टीप्लाइड बाई ये फाइव होगा, इसके आगे ऐड होके तो वो क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव, दैट इज़ टेन जीरोज हो जाएंगे. सेम थर्ड लेंगे, थर्ड जीरो, थर्ड का फिर से इस फाइव के साथ करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा. क्लियर? सो लाइकवाइज वी हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन. सो फॉर दिस वी विल ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है? तो अभी क्यू जीरो से हमने रीड क्या किया, फर्स्ट सिंबल जीरो, सो जीरो इज़ रिप्लेस्ड विद एक्स, सो जीरो इज़ रिप्लेस्ड विद एक्स मूवमेंट राइट. कब तक, जब तक हमें हैश नहीं मिलता. हैश के बाद का स्ट्रिंग हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी, राइट? नेक्स्ट इनपुट होगा, इसीलिए हैश तक एज इट इज़ रहेंगे हम लोग. सो जीरो इज़ रिप्लेस्ड बाय जीरो मूवमेंट राइट, हैश इज़ रिप्लेस्ड विथ हैश मूवमेंट राइट. नाउ हैश के लिए हमने नेक्स्ट स्टेट ली बिकॉज एक ही हैश है, इसीलिए इसके बाद जो भी फर्स्ट जीरो मिलेगा फिर से उसे एक्स में कन्वर्ट करेंगे, मूवमेंट राइट करेंगे. कब तक, जब तक उसके रिलेटेड ब्लैंक नहीं मिलता है हमें. इस जीरो को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, मोमेंट राइट करेंगे जब तक ये ब्लैंक नहीं मिलता है, राइट? सो ब्लैंक इज़ रिप्लेस्ड विद क्या करेंगे, जीरो और मोमेंट लेफ्ट करेंगे, ठीक है? सो जीरो इज़ रिप्लेस्ड विद एक्स मोमेंट राइट, इन बिटवीन जीरो एंड हैश एज इट इज़ रहेंगे. जब ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक इज़ रिप्लेस्ड विद जीरो मोमेंट लेफ्ट. अभी लेफ्ट में कहाँ तक जाना है, फिर से एक्स तक, ये एक्स तक, राइट? सो उसके बीच में जीरो एंड हैश मिल रहे हमें तो वो एज इट इज़ रहेंगे, और तो जीरो एंड हैश एज इट इज़ रहे मोमेंट लेफ्ट जब तक ये एक्स नहीं मिलता है, राइट? फिर से हमने इस एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, जीरो में. सो एक्स इज़ रिप्लेस्ड विद जीरो मोमेंट राइट, राइट में फिर से नेक्स्ट जीरो मिला. तो ऐसे प्रोसेस कब तक चलेगी, ये जब तक ये फाइव जीरोज इसमें ऐड नहीं होते हैं, ठीक है? तो सपोज़ ये लास्ट वन जीरो को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, देन इस ब्लैंक को जीरो में कन्वर्ट कर दिया, मूवमेंट राइट आई, एक्स को फिर से जीरो में कन्वर्ट कर दिया, मूवमेंट राइट आ गई, राइट में क्या मिला, हैश मिला. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ये प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है? तो हैश से हम लोग फिर से लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि हमें अभी हैश के बाद कौन सा नेक्स्ट जीरो कंसिडर करना होगा, मीन्स इस एक्स तक जाना होगा, राइट? तो इसीलिए हैश से फिर से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, हैश इज़ रिप्लेस्ड विथ हैश एंड मूवमेंट लेफ्ट, क्यू फाइव नेक्स्ट स्टेट ऐड करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से जीरो एंड हैश मिलेगा, वो एज इट इज़ रहेगा जब तक फर्स्ट एक्स नहीं मिलता है, राइट? सो फर्स्ट एक्स मिल गया, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय जीरो मोमेंट राइट. फिर से सेकेंड जीरो के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगी, ये वाली. थर्ड जीरो के लिए भी ये प्रोसेस फॉलो होगी. थर्ड जीरो प्रोसेस होने के बाद क्या मिला हमें, हैश. सो तब हम लोग किस पे है, क्यू जीरो पे. तो इसीलिए स्टॉपिंग कंडीशन हमने कहाँ पे लगाई, क्यू जीरो पे. क्लियर? सो लाइकवाइज वी हैव टू डिज़ाइन द ट्यूरिंग मशीन फॉर मल्टीप्लीकेशन. सेम वे से अभी इसका ट्रांजिशन टेबल निकालेंगे और उसके बाद मशीन के एलिमेंट्स. सेवन एलिमेंट्स है, क्यू समेशन टॉट डेल्टा क्यू जीरो बी एंड कैपिटल एफ. क्यू कितने स्टेट से, क्यू जीरो टू क्यू सिक्स. इनपुट है जीरो एंड हैश. टॉ के एलिमेंट है जीरो हैश एंड ब्लैंक और एक्स. क्यू जीरो इनिशियल स्टेट, बी कैप ब्लैंक सिंबल एंड फाइनल स्टेट इज़ द क्यू सिक्स, दैट इज़ हॉल्टिंग स्टेट. तो अभी टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री के लिए हम लोग इसका प्रोसेसिंग देखते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस वी कैन से और द इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन. सो क्यू जीरो से जीरो रीड किया, जीरो इज़ रिप्लेस्ड विद एक्स मोमेंट इज़ राइट. क्यू जीरो से जीरो रीड किया, जीरो इज़ रिप्लेस्ड विद एक्स मोमेंट राइट एंड नेक्स्ट स्टेट क्यू वन. सो जीरो इज़ रिप्लेस्ड विद एक्स मोमेंट राइट एंड नेक्स्ट स्टेट इज़ क्यू वन.
अभी ये Q1 से 0 एंड हैश के लिए सेम रहेगा, Q1 से 0 रीड करते तो 0 एज इट इज़ रहेगा, नेक्स्ट डेट इज़ Q1, Q1 से हैश रीड करते तो हैश इज़ रिप्लेस्ड विथ हैश मोमेंट राइट, नेक्स्ट डेट इज़ Q2, राइट। सो नाउ Q2 से 0 रीड किया, सो 0 इज़ रिप्लेस्ड विथ X, राइट। Q2 से 0 रीड किया, 0 इज़ रिप्लेस्ड विथ X मोमेंट राइट, एंड नेक्स्ट डेट इज़ Q3। सो 0 इज़ रिप्लेस्ड विथ X मोमेंट राइट, नेक्स्ट डेट इज़ Q3। Q3 से अभी ये तीनों सेम रहेंगे जब तक ब्लैंक नहीं आता है, राइट। तो Q3 से ये सेम रहेंगे जब तक ब्लैंक नहीं आता है, राइट। सो Q3 से ब्लैंक जब रीड करेंगे, सो ब्लैंक इज़ रिप्लेस्ड विथ 0 एंड मोमेंट लेफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डेट Q4। अभी लेफ्ट में कहाँ तक जाएगा, X तक, राइट। तब तक ये स्टेट Q4 ही रहेगी। सो Q4 से X जब रीड करेंगे, सो X इज रिप्लेस्ड विथ 0, Q4 से X रीड किया, X इज रिप्लेस्ड विथ 0 मोमेंट राइट, एंड नेक्स्ट स्टेट Q2। X इज रिप्लेस्ड बाय 0 मोमेंट राइट, नेक्स्ट स्टेट Q2। फिर से Q2 से 0 की रीड किया, 0 इज रिप्लेस्ड विथ X मोमेंट राइट, Q3। Q3 से अभी ये सारे प्रोसेस होगी जब तक ब्लैंक नहीं मिलता है। Q3 से ब्लैंक मिला, ब्लैंक इज रिप्लेस्ड विथ 0, फिर से मूवमेंट लेफ्ट Q4, कहाँ तक, X तक, ठीक है। सो X तक आके, सो X इज रिप्लेस्ड विथ 0 मूवमेंट राइट, नेक्स्ट डेट Q2। तो फिर से Q2 से 0 रीड किया, X में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट मूवमेंट राइट हो गई, नेक्स्ट डेट इज Q3। Q3 सेम रहेगा जब तक ब्लैंक नहीं आता है, ब्लैंक से 0 रीड, Q3 से ब्लैंक रीड किया, ब्लैंक इज रिप्लेस्ड विद 0 मोमेंट लेफ्ट Q4, ये कहाँ तक चलेगा, X तक। सो Q4 से X रीड किया, X इज रिप्लेस्ड विद 0 मोमेंट राइट, राइट में अभी हैश मिला, मीन्स ये हो गया। तो हैश से हम लोग अभी क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट में जाएंगे इस X तक, राइट। तो इसीलिए नेक्स्ट डेट क्या हो गई, हैश इज रिप्लेस्ड विथ हैश Q5। अभी ये लेफ्ट में कहाँ तक जाएंगे, जब तक X नहीं मिलता है। सो Q5 से X रीड किया, X इज रिप्लेस्ड विथ 0 एंड मोमेंट इज राइट, एंड नेक्स्ट डेट इज Q0। तो सेम प्रोसेस अभी फिर से फॉलो होगी जब तक ये नहीं होता है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे फिर से राइट आएगा, राइट में Q0 मिलेगा, Q0 से हम लोग हैश रीड करेंगे, सो हैश इज रिप्लेस्ड विथ हैश, एंड नेक्स्ट डेट इज Q6। सो ये दिस इज़ द फाइनल स्टेट, क्लियर। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द ट्यूरिंग मशीन फॉर मल्टीप्लिकेशन।